हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुई। देखिए दोस्तों, ये चोकेर है और तीन स्विच है। इसको किस तरह वायरिंग करते हैं आपको सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ। देखिए चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहले देखिए, ये चोकेर है और तीन स्विच है। इसको हम लोग कैसे वायरिंग करते हैं, चलो क्या करेंगे। पहले आप ऐसे एक टाल वायर लीजिएगा और स्विच का जो ऊपर साइड है ऊपर साइड में आप लगाइए। देखिए दोस्तों, और उसको आप वायर को टाइट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, स्विच को ऊपर साइड में वायर लगा लिया और ये आप लॉक कर दीजिएगा दोस्तों, हो गया। और सॉकेट का जहाँ पर एल लिखा है, एल में आप डालिए। देखिए कनेक्ट कीजिए एल में, जहाँ सॉकेट का जो जहाँ पे एल लिखा है वहाँ पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा और आप उसको टाइट कर लीजिएगा। देखो दोस्तों, जहाँ पे एल लिखा है एल में आप कनेक्ट कर लीजिएगा, हो गया दोस्तों। मेरा स्विच और सॉकेट का साथ में कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए स्विच को जो नीचे साइड है, नीचे साइड में आप कनेक्ट करेंगे। तो मैंने पहले से ये तार काट के रखा है। देखिए दोस्तों, स्विच को जो नीचे साइड है इसको आप क्या करेंगे, पहले लगा लीजिए और आप उसको टाइट कर लीजिएगा, हो गया कनेक्ट। देखो स्विच का जो नीचे साइड है, लोअर साइड है, लोअर साइड को आपने इस तरह एक तार खोल के आप उसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कनेक्ट हो गया और आप उसको टाइट कर लीजिएगा, हो गया सेकंड टाइम, सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, पहले इसमें एक सॉकेट के साथ एक स्विच हो गया और दो पॉइंट है, दो स्विच का। दो पॉइंट के लिए मैं वायरिंग करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक होल्डर बना के रखा है, देखिए दोस्तों, और एक दो होल्डर बना के रखे है दोस्तों। इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले इस होल्डर के जो रेड कलर है, कलर में भी बाढ़ है, देखिए रेड कलर है, रेड कलर का क्या करेंगे, स्विच का जो ऊपर साइड, जो साइड का स्विच का जो ऊपर साइड है उसमें लगाइए। देखिए, और आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा होल्डर का जो एक टार, इस होल्डर का एक टार इस स्विच पे डालिए, और इस होल्डर का और एक रेड कलर जो है, रेड कलर आप क्या करेंगे, एक स्विच में डालिए। देखिए दोस्तों, इसमें डालिए, दो पॉइंट हो गया मेरे, दो पॉइंट कनेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों, दो पॉइंट कनेक्ट हो गया, दोनों पॉइंट हो गया, और दोनों तारों में से देखिए जो दो तार रह गया वो आप एक साथ में जोड़िए। ठीक है दोस्तों, इस दो होल्डर का जो एक एक पॉइंट एक स्विच और नेक्स्ट स्विच में लगा दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो तार है एक्स्ट्रा उसके आप एक साथ में जोड़िए। इसको आप कॉमन करना पड़ेंगे, एक साथ जोड़ लिया। उसके बाद क्या करेंगे, मैं पावर सप्लाई देना पड़ेगा, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसी तरह एक आप थ्री पिन तोप लीजिएगा। उसका साथ में देखिए ये जो एल लिखा है इसमें आप फेस डालिए रेड कलर का, और एन लिखा है, एन में न्यूट्रल डालिए, और जहाँ पे ई लिखा है इसमें आर्थिंग डालिए ग्रीन कलर का। देखिए बस इसको मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैं फेस के लिए रेड कलर लेना है। फेस के लिए क्या करेंगे, जो स्विच है, स्विच का जो नीचे लोअर साइड है, लोअर साइड में ये फेस कटर डालिए और आप उसको टाइट कर लीजिएगा। सिंपल है, देखिए जो फेस का जो तार है मैंने यहाँ पे डाला है, और जो न्यूट्रल है, देखो ब्लैक कलर जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे, पहले मैंने जो दो होल्डर का जो एक्स्ट्रा दो तार था उसका साथ में एक साथ में जोड़िए, आप एक साथ में जोड़िए, जोड़ लीजिए, इसको न्यूट्रल कॉमन बोलते हैं, एक साथ में न्यूट्रल कॉमन कर लीजिएगा। न्यूट्रन कॉमन हो गया, न्यूट्रन एक साथ में जोड़ लिया, और आप जहाँ पे एन लिखा है एन में डालिए, जहाँ पे एन मतलब न्यूट्रल है, और उसको आप टाइट कर लीजिएगा। देखिए न्यूट्रल को मैंने टाइट कर लिया है, ठीक है दोस्तों, और आप इसको अच्छी तरह टाइट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए न्यूट्रल मैंने टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद ये जो लॉक है लॉक लगा लीजिएगा, क्योंकि खुल ना जाए। और आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर है ये तो आप जानते ही हैं, ये आर्थिंग है। आर्थिंग के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे ई लिखा है ई में डालिए। देखिए ई मतलब आर्थिंग है, आर्थिंग जोड़िए, देखिए हो गया। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसमें टाइट कर लीजिएगा दोस्तों, हो गया वायरिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। सिंपल तरीका है, आप फिर आपको फिर से मैं आपको दोहराने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये चॉकेट है, चॉकेट के साथ में स्विच का जो ऊपर साइड से जहाँ पे चॉकेट का एल लिखा है इसमें जोड़ा है, और
स्विच का जो नीचे तीनों साइड में मैंने जोड़ लिया है। उसके बाद में जो होल्डर का जो दो टार है, सोल्डर का दो टार है, एक टार मैंने एक स्विच में डाला है और एक टार यहाँ पे सेकेंड स्विच में डाला है। और उसका साथ में जो न्यूट्रल है, देखिए उसमें जो दोनों तार जो न्यूट्रल का जो तार है उसमें मैंने न्यूट्रल के साथ जोड़ा है। देखिए उसका बाद में जो थ्री पिन टॉप का जो फेस न्यूट्रल आर्थिंग है, आर्थिंग के लिए फेस मैंने स्विच का जो नीचे साइड में डाला है, स्विच का जो नीचे साइड में फेस डाला है। और ये जहाँ एंड में होल्डर का जो दो न्यूट्रल तार और ये न्यूट्रल कॉमन करके एक साथ में डाला है और आर्थिंग यहाँ पे डाला है। चलो अभी अभी हम लोग उसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी चलो हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैंने उसे टेम्पोरली रखा है। देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरा और मैंने एक्सटेंशन कॉर्ड ले लिया। देखिए दोस्तों, और कनेक्ट कर लिया। देखिए दोस्तों, और मैंने पहले एक ऑलरेडी बना के रखा है, जैसे एक तो होल्डर। और मैं अभी क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों, मैंने इसको बल्ब लगा दिया है। देखिए दोस्तों, अभी हो गया मेरा कनेक्ट। चलो दोस्तों, अभी मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, चलिए दोस्तों, स्विच दे दिया। इस ग्रीन साइड को पहले चेक करते हैं दोस्तों। देखिए जला है, और ब्लू को भी टेस्ट कर लेते हैं। देखो जला है, और जो ऑरेंज कलर को भी टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए वायरिंग ठीक ही है। देखिए दोस्तों, ऑफ कर दिया। फिर से देखिए दोस्तों, ये ग्रीन साइड के, देखिए मैं स्विच देने वाला साइड का जो पॉइंट है, ग्रीन कलर जला है। देखिए ये मिडिल वाला, देखिए ये भी ओके है। और जो चॉकेट है, चॉकेट का साथ जो मैंने होल्डर कनेक्ट किया उसको भी देखिए दोस्तों, ओके है। चलो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।